गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर का टॉपिक डाइइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। तो सबसे पहले हमने ये देख लें, एक बार रिवाइज कर लें कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो सबसे पहले सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा है पोटेंशियल, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हमने देखी, पोटेंशियल डाइपोल की वजह से निकाला हमने, और पोटेंशियल एनर्जी इम्पोर्टेंटली देख लिया। तो ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही अब हम इम्पोर्टेंटली ये वाला टॉपिक कैपेसिटर के रेफरेंस में स्टार्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक कैपेसिटर होगा, और उसको उससे पहले इसको पढ़ना ज़रूरी है कि डाइइलेक्ट्रिक्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइइलेक्ट्रिक की। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, डाइइलेक्ट्रिक Dielectrics are non-conducting substances. ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक वो सब्सटेंस हैं जो कंडक्टर नहीं होते हैं। तो जो कंडक्टर नहीं होंगे वो डेफिनेटली इंसुलेटर कहते हैं हम उन्हें, तो इंसुलेटर ही समझ लीजिए। तो डाइइलेक्ट्रिक्स आर द नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस, नॉन कंडक्टिंग होते हैं, क्लियर। उसके बाद में अब हम देखेंगे कि बोले साहब यदि नॉन कंडक्टिंग है तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, किस तरीके से ये एक्सटर्नल फील्ड से अफेक्ट होते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए हम दो केस पढ़ेंगे। पहले केस में ये देखेंगे कि यदि कंडक्टर्स को एक्सटर्नल फील्ड में रख दें तो क्या होता है, और उसके जस्ट बाद देखेंगे कि डाइइलेक्ट्रिक्स को यदि हम एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस्ड कर दें तो उन पर क्या फर्क पड़ता है। तो यहां पर देखते हैं, सबसे पहले मैं कंडक्टर की बात करूं। कंडक्टर जब मैं किसी फील्ड में इस तरीके से प्लेस कर दूंगा, ये मेरा कंडक्टर मटीरियल है, इसको मैंने प्लेस कर दिया, और मैं यहां पर एक्सटर्नल फील्ड ले लेता हूं। आई जस्ट टेक दिस एक्सटर्नल फील्ड, पहले मैं इसको पुट कर देता हूं इस तरीके से, और मैंने एक एक्सटर्नल फील्ड बना दिया इस तरीके से। ओके, ये रहती है, ठीक। एक्सटर्नल फील्ड में जब मैं किसी मेटल को रखता हूं, ये हमारा मेटल है या फिर कहें कंडक्टर है, एक ही बात है। जब मैं इसको रखूंगा तो जैसे ही मैं इसके अंदर इसको पुट करूंगा, मुझे पता है मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इस फील्ड से अफेक्ट होंगे, और डेफिनेटली जब फील्ड की डायरेक्शन ये है तो जो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा वो फील्ड के हमेशा अपोजिट लगता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो फील्ड के अलोंग फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो फील्ड के अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसलिए जो नेगेटिव चार्ज होगा और जो फ्री है वो क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में आएगा और यहां पर सरफेस पर आकर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। अब जब एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इस साइड में होगा तो उतना ही पॉजिटिव एक्यूमुलेशन कहां होगा, यहां पर होगा। इस प्रोसेस को हम देखेंगे चलता किस तरीके से, लेकिन अभी के लिए हम यह समझ लेते हैं कि भाई यहां पर तो नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन, क्योंकि नेगेटिव पर जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इसलिए ये इस साइड में मूवमेंट करेंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो मूवमेंट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली, कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए, वो जनरली न्यूट्रल होता है। जब न्यूट्रल होता है तो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स हैं, जब इसको छोड़ के जाएगा तो यहां पर क्या बच जाएंगे, होल्स बच जाएंगे। तो उन पॉजिटिव चार्जेस को हम क्या शो कर रहे हैं, यहां पर शो कर रहे हैं। तो बोले साहब बीच का कहां गया, उसको भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम कह देते हैं नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर एक्यूमुलेशन हो जाता है, और पॉजिटिव चार्ज का इधर एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऐसा हो गया। अब इससे क्या होगा, दिस इज द ई नॉट,
ई नॉट मतलब ई आउट कर लेते हैं, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पर जो एक डेवलप हो गया, देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक फील्ड डेवलप होता है जिससे मैं कह देता हूँ इंटरनल फील्ड ई आई। ठीक है, दो फील्ड डेवलप हो गए, एक बाहर का फील्ड है एक्सटर्नल हमने रखा और एक अंदर का फील्ड डेवलप हो गया। दोनों फील्ड जो हैं देख रहे हैं आप, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये तो अभी बन रहा है, ये तो अभी जनरेट हो रहा है और धीरे धीरे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। और कब तक बढ़ेगी? जब तक बढ़ेगी जब तक ये वाला इस इंटरनल जो फील्ड बन रहा है वो एक्सटर्नल फील्ड के इक्वल नहीं हो जाए। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो मूमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स का है वो बंद हो जाएगा। और बंद होने के बाद क्या होगा? अंदर जो है, अंदर का जो फील्ड है वो ई आई प्लस ई नॉट, बाहर का जो फील्ड है वो मिलाकर कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसलिए अंदर कोई फील्ड इसके नहीं होगा, और होना भी यही चाहिए कि मेटल्स के अंदर कोई फील्ड जो है वो नहीं होना चाहिए। यही यहां पर ट्रू हो रहा है। तो ये बात सही है कि कंडक्टर्स को जब भी हम इस तरीके से पुट करते हैं तो इंटरनल फील्ड जो है वो एक्सटर्नल फील्ड के बराबर हो जाता है, और उस केस में क्या होता है? अंदर का फील्ड जीरो हो जाता है। दिस इज फॉर कंडक्टर्स। कंडक्टर इस तरीके से बिहेव करते हैं। लेकिन मैं बात करूं नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस की, मतलब मैं बात कर रहा हूं डाइइलेक्ट्रिक्स की, मैं बात कर रहा हूं डाइइलेक्ट्रिक्स की, कि डाइइलेक्ट्रिक्स को यदि हम एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस कर दें तो क्या होगा? तो सबसे पहले मैं एक डाइइलेक्ट्रिक ले लेता हूं। इस तरीके से मैंने एक डाइइलेक्ट्रिक बना दिया, ये भी है वैसी ही स्लैब ले ली मैंने। अब क्या होगा देखिए, अब होगा ये डाइइलेक्ट्रिक्स को जब भी मैं यहां लिख देता हूं, दीज आर डाइइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो डाइइलेक्ट्रिक्स को जब भी मैं प्लेस करूंगा तो होगा ये कि डाइइलेक्ट्रिक्स के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट होंगे। मतलब डाइइलेक्ट्रिक कंडक्टिंग तो नहीं है, लेकिन जैसे इनको एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस किया जाएगा तो ये क्या होगा, ये जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं वो इस फील्ड के अलोंग अलाइन होने की कोशिश करेंगे। यार हम सीरियसली कहें तो इसके अंदर क्या हो जाता है कि मूवमेंट तो नहीं कर सकता चार्ज, इसलिए क्या होता है इसके अंदर डाइपोल्स बन जाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो एसोसिएट होके क्या बना लेते हैं? डाइपोल्स बना लेते हैं। और डाइपोल्स बना के वो डाइपोल्स जो हैं वो इस फील्ड के अलोंग अलाइन होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और उसी वजह से यहां पर कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहां पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आता है, बहुत कम आता है। देखिए मैंने कम ही लगाया है, ठीक है ना। रिजल्टेंट जो चार्ज होगा डाइपोल्स का वो बहुत कम होगा। इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी के लिए ये समझ लें कि डाइइलेक्ट्रिक्स को जब रखें तो अंदर का एक फील्ड बन जाएगा, इस साइड में बनेगा ई इंटरनल, और एक्सटर्नल फील्ड तो है ही। इसका मतलब ये हुआ कि जब इनको पुट करेंगे तो अंदर क्या होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सटर्नल फील्ड से एग्जैक्टली कैंसिल नहीं होगा। इसलिए अंदर जो है ई आई प्लस ई नॉट कह दूं, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब फील्ड जीरो नहीं है। तो ये डाइइलेक्ट्रिक्स हो गए। तो दोनों की प्रॉपर्टीज हमें समझ में आ गई कि यदि कंडक्टर्स को पुट करूंगा तो ई आई प्लस ई नॉट क्या हो जाएगा? अंदर जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब तक डिस्प्लेस होते रहेंगे यहां पर फ्री है मूवमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज अपोजिट सरफेस पर आ जाएगा, और उसी वजह से क्या होगा, उसी वजह से ये क्या होगा, अंदर वाला फील्ड बाहर वाले फील्ड को कैंसिल कर देगा। ये काम जब तक होता रहेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें डाइपोल्स बनाकर वो अलाइन होने की कोशिश करते हैं और रिजल्टेंट जो चार्ज यहां पर सरफेस पर आता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इंटरनल फील्ड कम ही रह जाता है और वो एक्सटर्नल फील्ड को एग्जैक्टली कैंसिल नहीं कर पाता। दीज आर द सिचुएशन फॉर कंडक्टर्स एंड डाइइलेक्ट्रिक्स। क्लियर। अब डाइइलेक्ट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो हम कहें कि भाई डाइइलेक्ट्रिक्स में ऐसा क्या है जो
किस पर डिपेंड करता है ये डाइलेक्ट्रिक जिससे ये अलग अलग प्रॉपर्टीज अलग तरीके से प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि डाइलेक्ट्रिक में चार्ज का ओरिएंटेशन किस तरीके से होता है, उस पर ही डिपेंड करता है कि डाइलेक्ट्रिक किस साइड के होंगे। तो हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स की और कितने टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं हमारे फिजिक्स के अंदर, वैसे तो सेम ही होंगे। तो हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स, तो हमारे पास दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स आ जाते हैं बेटा। फर्स्ट को हम कहते हैं बेटा दैट इज नॉन पोलर, और ये किस वजह से होते हैं, ये चार्ज कॉन्फिगरेशन किस तरीके से है उस पर डिपेंड करेगा। तो नॉन पोलर का मतलब सिंपली हम समझें तो हम कह देते हैं ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिनका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलाइन होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर होते हैं बिल्कुल, ठीक है, एक ही लाइन में होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को लगभग कैंसिल आउट कर देते हैं, तो उनमें कोई पोलराइजेशन नहीं रह पाता। तो हम कहते हैं तो नॉन पोलर का मतलब ये है कि इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो कॉन्साइड कर जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कॉन्साइड ईच अदर, कॉन्साइड कर जाते हैं। जब ये कॉन्साइड कर जाएंगे तो डेफिनेटली एक दूसरे का इफेक्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसके एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं कह दूं H2 इस तरीके से, इन दोनों के सेंटर एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव हो जाएगा और दोनों एक दूसरे से, जैसे CO2 कह दें हम, एक दूसरे से कॉन्साइड करते हैं इस तरीके से, ऐसे बना देता हूं, दिस इज C, दिस इज O, दिस इज O। तो इस तरीके से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। सेकेंडली हम देखें कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो देखिए हम कहेंगे कि जो पोलर मॉलिक्यूल है उनके जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कॉन्साइड, ठीक है, कॉन्साइड नहीं करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से प्लेस नहीं होते कि वे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज दैट H2O है ना, HCl भी ले सकते हैं, तो Cl को बड़ा बना देता हूं और H को थोड़ा छोटा बना देता हूं इस तरीके से, तो ये हमारे जो हो जाएंगे इस तरीके से, दिस इज Cl एंड दिस इज H, यहाँ एक डाइपोल डेवलप हो जाएगा, डाइपोल जो है Cl नेगेटिव होता है H पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर डेवलप होगा। और इसी तरीके से H2O को भी बनाया जा सकता है, मैं कह देता हूँ दिस इज ओ मॉलिक्यूल और यहाँ पर बना देता हूँ H, सॉरी ये तो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो मुझे दिस इज ओ, दिस इज H, दिस इज H, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा H है, दिस इज H, दिस इज O, तो यहाँ पर एक डाइपोल डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव O नेगेटिव होता है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया बेटा H2O और ये पी कैप, ओके। इस तरीके से ये कुछ एग्जांपल्स हैं और इनकी डेफिनेशंस हैं कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल्स वो होंगे जो जिनके चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे से कॉन्साइड नहीं होंगे, तो इनका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा, इनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। तो इसमें कहूं कि डाइपोल मोमेंट जो होता है इनके लिए क्या होता है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू जीरो, और डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये बातें हमें याद रखनी है।
कि इनका डाइपोल मोमेंट नॉन पोलर है तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो, और पोलर हैं तो उनके लिए कहेंगे कि इनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। क्लियर, ये हो गया। अब जब हमने बता दिया कि दो टाइप के हो गए, एक तो नॉन पोलर हो गया और दूसरा क्या हो गया, पोलर हो गया, तो अब क्या करें, अभी नॉन पोलर और पोलर को हम किस में रख के देखते हैं, हम रख के देखते हैं एक्सटर्नल फील्ड में, तो क्या फर्क पड़ता है वो देख ले। तो हम सबसे पहले रख देते हैं नॉन पोलर को रख देते हैं, तो नॉन पोलर को जब मैं रखूंगा तो किस तरीके से वो देखिए, जब मैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड में जब मैं इसको रखूंगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को, तो क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एक्सटर्नल फील्ड में रखे जाते हैं तो होगा ये कि वैसे वो पोलराइज्ड नहीं है, लेकिन फील्ड में जब रखे जाते हैं तो होता यह है कि वो अपने आप को डिस्प्लेस करना शुरू कर देते हैं, और इस तरीके से डिस्प्लेस करते हैं कि वो एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करें। ठीक है, इस तरीके से डिस्प्लेस करना शुरू करते हैं कि वो एक्सटर्नल फील्ड को क्या करें, अपोज करें। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बना देता हूं, अकॉर्डिंग टू योर बुक, जिससे आपको बुक का पढ़ा हुआ भी समझ में आ जाए। तो मैं कह देता हूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है, ये इनिशियल कंडीशन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से कॉन्साइड कर रहे हैं, जब कॉन्साइड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और हमने बाहर का कोई सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल लगाया है वो जीरो है हमारा, है ना। तो जैसे ही मैं अब इसको एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख देता हूं तो क्या होगा, वो फील्ड क्या करेगा वो देखिए। मैं कह देता हूं कि जैसे ही मैं एक्सटर्नल फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब हमने क्या लगा दिया, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया, तो जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा तो होगा ये कि ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है ये एक दूसरे को फील्ड के अलोंग जो है वो रोटेट करने के ट्राई करेंगे और डिस्प्लेस हो जाएंगे। डिस्प्लेस हो जाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, और ये कुछ ऐसे डाइपोल से बन गए ना बेटा, इस तरीके से डाइपोल्स बन जाएंगे और इस तरीके से देखिए ये इस तरीके से डाइपोल्स बन जाएंगे, ये डाइपोल्स बन गए। अब डाइपोल्स जब बन गए हैं तो डेफिनेटली, और डाइपोल जो इस तरीके से चार्ज अक्यूमुलेशन होता है ना सरफेसेस पे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा पोलराइजेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, पोलराइजेशन होता है। तो हम कहते हैं कि ये जो डाइपोल्स बने इसका मतलब ये क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। इसके अंदर क्या आ गया, देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस तरीके से। तो अब हम थोड़ा सिंपल केस लेना चाह रहे हैं, तो फॉर सिंपलिसिटी हम लें तो हम कहते हैं कि ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स जो हैं वो एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। जो इनका जो पोलराइजेशन है कि कितने पोलराइज्ड होंगे, तो इनका जो पोलराइजेशन होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा। और रियली सही ढंग से समझें तो हम कह सकते हैं कि उन्हीं को ही हम स्टडी कर सकते हैं। यदि रेंडमाइज होता तो उनको स्टडी करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके लिए कोई पर्टिकुलर रूल नहीं बनता है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं हम उन्हीं का स्टडी करेंगे जिनके लिए पोलराइजेशन जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फील्ड। जितना ज़्यादा पोलराइज, जितना ज़्यादा एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे उतना ही वो ज़्यादा पोलराइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो उनको कहते क्या हैं, ये नाम याद रखिएगा, जिसे हम कहते हैं लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइइलेक्ट्रिक्स। तो ये वो डाइइलेक्ट्रिक्स हैं, दोज पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे
उतना ज्यादा उसके मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड हो जाएंगे, दैट इज अ लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइइलेक्ट्रिक। क्लियर? सेम ऐसा ही केस किसके लिए ले लेते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए लेते हैं। व्हेन पोलर मॉलिक्यूल्स आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, जब पोलर मॉलिक्यूल्स जब इसके अंदर प्लेस करे जाएंगे तो इनके लिए क्या होगा? इनके लिए थोड़ा सा अलाइनमेंट चेंज कर देता हूं मैं, किस तरीके से, ये तो हालांकि लगभग सेम सा ही हो जाएगा लेकिन थोड़ा डिफरेंट हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं कह रहा हूं ये केस हमारा है इज इक्वल्स टू जीरो और इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो पोलराइज्ड मॉलिक्यूल हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल हैं वो तो पहले से ही उनमें डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है, तो हम यूं कहेंगे कि उनके अंदर पहले से, लेकिन होता यह है जनरली कि जब उनको हम रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो रूम टेम्परेचर की एनर्जी लेकर उनमें थर्मल एजिटेशन जनरेट होता है और उसकी वजह से वो अपने आप को रेंडमाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रेंडमाइज कर लेते हैं और इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे उनके अंदर कोई डाइपोल है ही नहीं। तो डाइपोल इनका लगभग उस कंडीशन में क्या होता है? जीरो होता है। उस कंडीशन में सपोज करो जीरो है और फिर इनको जैसे ही हम एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा वो देख लीजिए। हम जैसे ही जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रखा तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा रेंडमाइज कर देता हूं, नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से, नेगेटिव पॉजिटिव ये इस तरीके से, ये रेंडम पड़े हुए हैं, ठीक है, थर्मल एजिटेशन की वजह से, और इस तरीके से करते हैं कि ये जो है इनका डाइपोल मोमेंट क्या हो? जीरो हो। दैट इज ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। याद रखना भाई, रूम टेम्परेचर पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एनर्जी ले सकते हैं टेम्परेचर से और वो इजीली एक्साइट हो जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी आ सकती है, वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। अब देखिए यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डाइइलेक्ट्रिक्स के लिए लगा दिया है। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से अलाइन होने की कोशिश करेंगे। फील्ड की डायरेक्शन सपोज करो दिस वन, तो नेगेटिव इस साइड में आने की कोशिश करेगा और पॉजिटिव थोड़ा सा अलाइन हो जाए, अपनी जगह रोटेट हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ इस तरीके से, नेगेटिव पॉजिटिव ये इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे, ठीक है, ये लाइक दिस, ठीक है, ये देखिए ये इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे। पूरे तरीके से अलाइन नहीं हो सकते कि भाई अपोजिट ही घूम जाए, जैसे ये है ये तो इजीली घूम जाएगा, ये है तो जैसे इधर घूमना पड़ेगा, तो ये टेढ़े मेढ़े इसी तरीके से, इसको कुछ ऐसा बना देता हूँ जिससे थोड़ा क्लियर हो जाए, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, जिससे इसका फील आ जाएगा कि इस तरीके से रोटेट हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि ये, अब देखिए ये क्या किया है इन्होंने, ये अपने आप को अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं किस साइड में, अलोंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब वो अलाइन करेंगे तो कुछ चार्ज जो है वो सरफेस पर आ जाता है, जो सरफेस पर जो होते हैं ना मॉलिक्यूल्स, उन सरफेस पर जो डाइपोल्स होंगे उनकी वजह से कुछ रिजल्टेंट चार्ज जो है वो इनकी सरफेस पर आ जाएगा, डाइइलेक्ट्रिक की सरफेस पर, और वो उसको हम कंसीडर करते हैं इंटरनल फील्ड के रूप में, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि जब भी हम पोलर मॉलिक्यूल्स को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखेंगे तो उनका भी पोलराइजेशन हो जाता है, वो ऑलरेडी वैसे पोलराइज ही हैं लेकिन रेंडमाइज होते हैं तो उनका पोलराइजेशन डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल फील्ड में इनको पुट करेंगे तो क्या होगा, इनका पोलराइजेशन हो जाएगा, इनका डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गए पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इसी के साथ में ही हम एक डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं कि पोलराइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद भी रखना चाहिए कि पोलराइजेशन मींस क्या होता है। पोलराइजेशन को हम डिफाइन करते हैं बेटा, पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट, इज द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है,
एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन एंड दिस इज ओनली ट्रू फॉर द लीनियर आइसोट्रॉपिक ड्राई इलेक्ट्रिक्स. ठीक है, याद रखना है, दिस इज ओनली ट्रू फॉर द लीनियर आइसोट्रॉपिक ड्राई इलेक्ट्रिक. और इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी. दिस इज द ससेप्टिबिलिटी. ओके, ये ससेप्टिबिलिटी होती है बेटा. तो ये एक कांस्टेंट है. ठीक है, और इसको हम आगे के चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ेंगे कि रियली ये होती क्या है, लेकिन अभी के लिए हम कह रहे हैं द पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. इस तरीके से बेटा ये हमारी हो गई. ठीक है, और ये हमारी हो जाएगी बेटा. ये किसके लिए ट्रू है? ये ट्रू है बेटा हमेशा किसके लिए? ये ट्रू है लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइइलेक्ट्रिक्स के लिए. एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड दिस इज ए कांस्टेंट. तो इसके बारे में हम और डिटेल में आगे पढ़ लेंगे. अभी के लिए एक और टॉपिक हमारा रह जाता है इस डिस्कशन को करते समय कि भई हमने अभी पढ़ लिया कि जब भी हम डाइइलेक्ट्रिक्स को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो वो बिहेव किस तरीके से करते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि सरफेस पर चार्ज किस तरीके से बिहेव करते हैं. तो लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइइलेक्ट्रिक्स के लिए हम एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा. देखिए, मान लीजिए डाइइलेक्ट्रिक को मैं इस तरीके से रख देता हूँ. ये दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में डाइइलेक्ट्रिक्स को मैंने फिल कर दिया. तो डाइइलेक्ट्रिक्स जो होंगे वो किस तरीके से बिहेव करेंगे? ये डाइइलेक्ट्रिक चाहे पोलर ले लें चाहे नॉन पोलर ले लें, अभी के लिए जो केस ले रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? जब एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो होता ये है कि वो जब एक्सटर्नल फील्ड में रखे जाएंगे तो अपने डाइपोल्स को इस तरीके से अलाइन कर जाएंगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो. तो होगा ये नेगेटिव पॉजिटिव, एक डाइपोल यहां बन गया, नेगेटिव पॉजिटिव एक डाइपोल यहां बन गया, नेगेटिव पॉजिटिव एक डाइपोल यहां बन गया. अभी एक सिंपल केस ले रहे हैं, तो मैं ऐसे बहुत सारे डाइपोल्स बना देता हूं, नेगेटिव पॉजिटिव, ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बना रहा हूं बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव. ओके, हाँ, देखिए अब इस स्लैब को हम देखें जिसके अंदर हमने डाइइलेक्ट्रिक्स को फिल कर दिया है. तो अब देखूंगा तो मैं कहूंगा कि भाई ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं. ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ये पास पास में. और अल्टीमेटली मैं कहूं तो एक लाइन इस तरीके से खींच देता हूं, एक लाइन इस तरीके से खींच देता हूं. आप देखेंगे ये एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, लेकिन जो सरफेस पर है उनके इफेक्ट्स जो हैं वो कैंसिल नहीं होते. उनके इफेक्ट्स जो हैं वो कैंसिल नहीं होते. ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते जाएंगे, लेकिन ये जो सरफेस पर है ये किसी को कैंसिल नहीं करेंगे. ये तो नेगेटिव सरफेस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव सरफेस हो जाएगी. तो हम कहेंगे कि डाइइलेक्ट्रिक जो हमने भरा है उस वजह से इन इस साइड में तो नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया और इस साइड में पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि थोड़ा सा जनरेट हो गया है. तो हमने जो इनिशियल केस लिया था ना, बोले सब डाइइलेक्ट्रिक में तो मोमेंट ही नहीं है, तो फिर वो कैसे नेगेटिव चार्ज इधर आ गया और उसके अपोजिट आर्म पर, अपोजिट सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो उसको इससे समझ सकते हैं कि इस तरीके से जब डाइपोल जनरेट होते हैं तो रिजल्टेंट इधर नेगेटिव हो जाता है और इधर पॉजिटिव हो जाता है. तो ये हमारा क्या जनरेट हो गया बेटा? इस तरीके से अंदर वाला तो लगभग जीरो है
और बाहर वाले जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव अफेक्ट करते हैं और एक इंटरनल फील्ड जनरेट करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, लेकिन ये इतना स्ट्रोंग नहीं होता कि वो एग्जैक्टली एक्सटर्नल फील्ड को क्या कर दे, कैंसिल कर दे। तो ये आज के लिए इतना ही, ये हमारा क्लियर हो गया बेटा डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। इसके जस्ट बाद हम इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर दिस बुक स्टार्ट करने वाले हैं, कैपेसिटर। और कल से हम इस कैपेसिटर को स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर में। ओके, थैंक्स फॉर टुडे, कीप वॉचिंग, कीप योर सेल्फ सेफ, स्टे एट होम, बाय।